जय हिंद सभी फौजी पेंशनर बंधु, मुझे उम्मीद है ओआरओपी 3 का धमाका आप तक अब तक पहुंच चुका होगा। हाँ मित्रों, आज इसी विषय पर मैं विस्तार में बात करने वाला हूं। मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो अक्सर लंबा हो जाया करता है, कई लोगों को शिकायत होता है कि थोड़ा छोटा बनाए। मैं प्रयास करूंगा यथासंभव, पर विषय ऐसा है मैं यहां कवर करूंगा ओआरओपी 3 के बारे में। हमारा यह एक श्रृंखला है, आपने देखा ही होगा ओआरओपी 3 का धमाका। यहां धमाका कहने का मतलब यह है कि आपके लिए कुछ न कुछ लाया है, या तो खुशखबरी लाया है या सैडनेस लाया है। तो धमाका के साथ दोनों चीज होते हैं। धमाका का मतलब हमेशा खुशी ही नहीं होता, दुख भरा भी है, गम भरा भी है। हम इस ORP 3 के श्रृंखला में काफी कुछ बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में प्रमुखतः मैं कवर करूंगा सूबेदार रैंक, जिसके वारंट ऑफिसर और चीफ पेटी ऑफिसर नेवी में होते हैं इक्विवेलेंट। इसके लिए विशेषतः लोगों के आग्रह पर बनाया, कई लोगों का ऐसा नैरेटिव है कि बेड़ा गर्क हो गया है सूबेदार साहब का। पिछले ORP 2 में भी उन्हें नजरअंदाज किया गया, 3 में भी किया गया। तो ऐसा क्यों हुआ और क्या वस्तु स्थिति है इन सब से, इसमें क्या विसंगतियां हैं और आपके लिए आगे क्या रिमेडियल रिकोर्सेस हैं, ये सब तमाम बात पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का चर्चा मैं प्रारंभ करता हूं अपने पीछे का वीडियो जो मैं ऑलरेडी बुनियादी तौर पर बना चुका हूं। थोड़ा सा रिकैप कर दूं ताकि यह वीडियो जो पहली बार ही देखने आए हैं उन्हें थोड़ा सा ORP 3 का कंसेप्ट भी पता चल जाए। ORP 3 में जैसा कि हमने देखा कई प्रकार की विसंगतियां हैं, और इन विसंगतियों को अगर आप दूर करना चाहते हैं अपने रैंक के, अपने ग्रुप के, अपने क्वालिफाइंग सर्विस के लिए, तो इसके लीगल रिकोर्सेस क्या होंगे, रिमेडियल एक्शन क्या होंगे, इन सब पर भी मैं बात करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप हमारे वीडियो से काफी लाभान्वित हो रहे होंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। 75,000 आज हमारे सब्सक्राइबर, हमारे फैमिली मेंबर्स की संख्या हो गई, या आप सबों के सपोर्ट से ही संभव हुआ। मुझे उम्मीद है आप इसी तरह से सपोर्ट देते रहेंगे हमारे चैनल को। अगर पहली बार आए तो जरूर ही सब्सक्राइब करें, यह हमारा भी मनोबल बढ़ाता है। हम कितना परिश्रम करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये सब का इनाम यही है जो आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लोगों के साथ भी साझा करें। और मैं यहां बता दूं कि आप अपने कमेंट के द्वारा अपना पार्टिकुलर समस्या बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, या अगर कुछ आपके पास आइडिया है तो वो बता भी सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा यथाशीघ्र आपके सवालों का जवाब दूं, आपको सलाह दूं। हाँ, इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम कमेंट करते हैं तो YouTube का अपना गाइडलाइन होते हैं, मर्यादित भाषा रखें, क्योंकि हम सब भारत के एक इलीट ग्रुप से होते हैं, फौजी बंधुओं से। हमारे पूरे देश को एक उम्मीद होती है, तो हमारी भी, हम सबों की भी भाषा में एक मर्यादा होनी चाहिए। हमारा व्यक्तिगत विचार किस पार्टी लाइन से जाता है, नहीं जाता है, इसका यहाँ रत्ती भर भी संबंध नहीं है। ORP 3 में जो वस्तु स्थिति है उस पर बात किया जाए, उसके पेचीदगी की, उसमें क्या कमियां हैं उसे लिखें, ताकि जो हमारे हायर अथॉरिटी हैं, ये सब भी सारे सोशल मीडिया का एनालिसिस किया जाता है, और वहां पर आपके जो भी पॉइंट्स हैं अगर जेन्युइन है तो निश्चित ही उस पर कार्य किया जाएगा। अभी तक का यही इतिहास रहा है कि लोगों की आवाज प्रजातंत्र में हमेशा उसकी ही प्रमुखता दी जाती है। तो आवाज उठाना बिल्कुल सही है, लेकिन भाषा थोड़ा सा मर्यादित हो तो बेहतर माना जाता है, और यही हमारा सभ्य समाज का एक प्रमुख पहचान भी होता है। तो आइए हम अब अपने विषय, मुख्य विषय वस्तु पर आते हैं। आज फिर से मैं बता दूं कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह मुख्यतः मैं वीडियो समर्पित करने जा रहा हूं सूबेदार साहब, वारंट ऑफिसर साहब और चीफ पेटी ऑफिसर, उनके टेबल में क्या है, किस तरह से है, यह सब मैं दिखाने जा रहा हूं। आइए, तो आइए हम आज देखते हैं। यहां हमने ORP धमाका के तहत अभी तक जो कवर किया हूं, यह एक रिकैप बता दूं। ORP 3 का जो अभी रिसेंटली मुद्दा है, तो ORP के बारे में ही हमने
ब्रीफ हिस्ट्री, संक्षिप्त में इतिहास बताने का प्रयास किया, क्या क्या माइलस्टोन है यह बताया, उसके क्या मुख्य बिंदु हैं और क्या क्या लाभ हैं यह सब बताया। ओआरओपी जैसा कि आप सब जान रहे होंगे, जस्ट मैं क्विक रिकैप कर ले रहा हूं, यह जो डिफेंस पेंशनर के लिए ही है, यहां डिफेंस सिविलियन जो होते हैं उनके लिए कवर नहीं होता है, पेंशनर के लिए और फैमिली पेंशनर के लिए। यह जो 3 लागू होगा 1 जुलाई 2024 यानी कि 30 जून 2024 तक जो रिटायर हुए हैं ये सब इससे कवर होंगे। अब अगर वो आरोपी वन के बारे में अगर थोड़ा बहुत जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो ये सर्कुलर नंबर 555 से रेगुलेट हुआ था, जो कि इशू हुआ था 4 फरवरी 2016 को, जिसके एप्लीकेबिलिटी था 1 जुलाई 2014, 4 इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट एरियर हुए थे। इसी तरह से ओआरओपी टू का सर्कुलर था 666, जो कि इशू हुआ था 20 जनवरी 2023 को, और अप्लीकेबिलिटी था इसका 1 जुलाई 2019 से, जो कि 4 इंस्टॉलमेंट में दिए गए थे। अब ओआरओपी 3 जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, क्विक रिकैप मैं कर लेता हूं, जिसे कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एमओडी के द्वारा नोटिफिकेशन कर दिया गया 10 जुलाई 2024 को, कंकरेंस भी मिल गया फाइनेंस डिवीजन एमओडी से, ताकि इस पर क्या बर्डन आया है फाइनेंशियल ये सब के लिए, पॉलिसी लेटर DSW जो टेबल के सहित जारी करते हैं ये भी जारी हो चुका 4 सितंबर को। ओआरओपी 3 का सर्कुलर संभवतः 777 नाम का आएगा, जो कि शीघ्र ही जारी होने वाला है और एरियर भी शीघ्र ही मिलेगा। हम सबको पता है कि कुछ क्षेत्र हैं, कुछ राज्य हैं जहां की अभी विधानसभा का चुनाव है, जैसे हरियाणा हो गया, J&K हो गया, जहां से कि काफी मात्रा में हमारे फौजी बंधु आते हैं। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार प्रयास करेगी कि पेंशनर को, वोटर्स को नाराज न करें, तो इस चीज का लाभ हम लोग को मिलने की संभावनाएं हैं और उसके तहत शीघ्रतम किया जाएगा, और हम लोग के लिए दिवाली बम्पर के रूप में भी यह हो सकता है, जो कुछ भी थोड़ा बहुत लाया है। इसकी मुख्य बातें पर अगर बात करें तो ओआरओपी 5 साल पर होता है, जिसे फ्लॉलेस क्विकेंड बनाने के लिए 121 टेबल का सहारा लिया गया है और 265 पेजेज में डिटेल में बात किया गया है। इसमें रिटायरिंग, सर्विस, स्पेशल सभी पेंशनर कवर हो रहे हैं, डिसेबिलिटी में इनवैलिड लाइफ डिसेबिलिटी, वार इंजुरी, इंपेयरमेंट रिलीफ, वार इंजुरी एलिमेंट, वार इंजुरी सब इसमें, ऑर्डिनरी स्पेशल और सारे रैंक जैसे कि कमीशनड ऑफिसर, JCO, अदर्स, नॉन कम्बेटेंट, ये सब कवर हो रहे हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, DSC, टेरिटोरियल आर्मी, रिटायर्ड, डिस्चार्ज, इनवैलिडेटेड आउट, डाइड इन सर्विस और आफ्टर, ये सब कवर हो रहे हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जो कि अपने मर्जी से गए हैं वो कवर नहीं होंगे, खासकर फर्स्ट जुलाई 2014 के बाद से जो भी गए हैं वो कवर नहीं होंगे। यहाँ आपको एक प्रमुख बात मैं बता दूं कि जिनका भी पेंशन है, फैमिली पेंशन है, अगर वो घटके है, जैसे मैं अभी टेबल की चर्चा करूंगा, और इसमें अगर निगेटिव ग्रोथ है तो आप रत्ती भर भी चिंता न करें, क्योंकि निगेटिव ग्रोथ नहीं होगा, आपके पेंशन में हमेशा आपके एडवांटेज में ही रखा जाएगा, डिसएडवांटेज में कदापि नहीं होगा, यानी कि लेस वैल्यू होते हुए भी आपको पुराना वाला वैल्यू दिया जाएगा। तो ये सब इसकी खासियत है। अप्लीकेबिलिटी पर हमने बात कर ही लिया है, नॉन अप्लीकेबिलिटी को देख लीजिए। नॉन अप्लीकेबिलिटी में मुख्यतः रिजर्विस्ट और पेंशनर हैं, जिसे कि एक जिसे एक एनोमली के तौर पर देख सकते हैं, जो PMR हैं, प्री मैच्योर रिटायरी और रिजर्विस्ट पेंशनर हैं, वो इनसे ORP 3 के एम्बिट में नहीं आते हैं, एक्स ग्रेसिया वाले नहीं आते हैं, और UK, HK, SRA, KCIO पेंशनर ये सब कवर नहीं होते हैं, पाकिस्तान बर्मा आर्मी पेंशनर ये सब कवर नहीं होते हैं। इसमें जो मेथोडोलॉजी है ये हमें समझने की जरूरत है कि यही जो मेथोडोलॉजी है यही त्रुटिपूर्ण है, और इसी के कारण हर रैंक में, हर ग्रुप में और हर क्वालिफाइंग सर्विस में जो अभी टेबल में त्रुटियां दिख रही हैं यही हैं। तो इसे हमें बेहतर से समझने की जरूरत है। यहां 3
पैरामीटर्स को मुख्यतः कंसीडर किया गया है, जिसमें मुख्यतः हमारे रैंक है, ग्रुप है और क्वालिफाइंग सर्विस है, कितना लेंथ ऑफ सर्विस करके हम आए। और इसमें जो डाटा लिया गया है, सैंपल डाटा 2023 के रिटायरी, यानी कि 2023 वर्ष में जो भी रिटायर हुए उनका जो भी मैक्सिमम पेंशन था उस रैंक, ग्रुप और क्वालिफाइंग सर्विस, और जो मिनिमम था उसके एवरेज को कंसीडर किया गया है, यहां सैंपल डाटा के रूप में लिया गया है। यहीं से हमारी एनोमली शुरू हो जाती है। क्वालिफाइंग सर्विस में कई जगह ऐसे होते हैं कि उनके पास डाटा नहीं है, तो आप देखेंगे कि लोअर क्वालिफाइंग सर्विस वाले, यानी कि कम समय वाले भी ज्यादा ले रहे हैं कई बार, या बराबर ले रहे हैं, उन्हें एक ब्रैकेट बनाना पड़ गया। इसी तरह से हम रैंक में भी देख सकते हैं कि कई जगह आप देखेंगे कि लोअर रैंक के भी, मैं उदाहरण के साथ ही बात करूंगा, लोअर रैंक वाले भी हायर रैंक से ज्यादा ले रहे हैं। इसी तरह से कहीं कहीं देखा गया कि 10 साल हो गए, जैसे सूबेदार केस जो हमारे आज सब्जेक्ट का मुख्य टॉपिक है, तो पिछले 10 साल से रिवीजन ही नहीं हुआ, वो OROP-2 में भी कुछ भी नहीं मिला, 3 में भी कुछ भी मिलने की आसार नहीं है, तो ऐसा भी केस है। तो ये सब एनोमली है, एनोमली की बात में हम करेंगे। यहां यह देख लेना है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस OROP-3 को थोड़ा सा प्रेसाइज डॉक्यूमेंट किया गया है, हालांकि 265 पेजेज हैं, लेकिन इसमें कई सारी बातें हैं जो OROP-1 में है, OROP-2 में है, वही एज इट इज इंस्ट्रक्शन रहेंगे। अगर उसमें बदलाव नहीं किया गया है तो यहां पर उसे मेंशन नहीं किया गया है। अब मैं सीधा आता हूं उन सारे टेबल पर, उन टेबल को एनालिसिस करूंगा, क्योंकि मैं अभी तक जस्ट एक क्विक रिकैप कर देता हूं। सिपाही और इक्विवेलेंट का टेबल हमने कवर कर लिया, जिसमें मुख्यतः एक लाइन में बोलता चलूं कि 10 ईयर्स तक जो भी सिपाही रिटायर हुए हैं, खासकर 10 ईयर्स में तभी रिटायर होने की नौबत आती है जब इनवैलिडेटेड आउट हो गए हैं, मेडिकल बोर्ड आउट हो गए, तभी ये सब की जरूरत होती है। तो यहां कोई खास इजाफा नहीं है, मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू है, यानी कि आप यह कह सकते हैं कि जो भी इनवैलिडेट आउट हैं, स्पेशल पेंशन वाले हैं, ये सबको लिबरलाइज पेंशन वाले इसी कैटेगरी में सब आ जाते हैं, तो यहां पर उनको निगेटिव ग्रोथ ही है। हालांकि वाई ग्रुप में थोड़ा सा मिल रहा है, एक्स में ज्यादा ही है। अगला जब हम आगे जाते हैं तब थोड़ा सा ग्रोथ है, ग्रोथ यहां मुख्यतः आपको 4 डिजिट में दिखना शुरू होगा 49.5 ईयर्स के बाद सिपाही के लिए। तो ये सब हम विस्तार में जिक्र कर लिए हैं। 20.5 ईयर्स के बाद अंधाधुन है, 2890 है, जिसमें बहुत ही कम होंगे कि इसी रैंक में कोई रिटायर होता है। अगला हमने कवर किया था ऑनरी नायक, ऑनरी नायक में भी सेम वही ट्रेंड्स हैं, 10 साल तक बहुत ही ज्यादा नहीं दिख रहा, कई को निगेटिव भी दिख रहा है। जब हम आगे बढ़ते हैं यहां भी सेम 14.5 ईयर से, जहां से कि एक्चुअल रिटायर होने लग जाते हैं। पेंशनेबल जॉब ही इस तरह से है कि नेवी में 15 साल, आर्मी में 17 साल और एयरफोर्स में 20 ईयर्स के बाद ही रिटायर होते हैं। तो यहां 14.5 के बाद दिखने लगा है 4 डिजिट में, 1675 का डिफरेंस आने लगा है। अगला ऑनरी नायक है, ऑनरी नायक LSE लीडिंग, इसमें 20 के बाद तो कोई होते नहीं है, तो यहां भी अंधाधुन, जो कि ट्रिक दिखाया गया है यहां, 2890 जो कि कोई एलिजिबल नहीं होंगे। अगला रैंक है नायक एंड इक्विवेलेंट, जिसमें आर्मी में काफी लोग इसमें जाते हैं, लेकिन 10 साल तक कोई नहीं जाते हैं। 10 साल तक जाने वाले जो भी होते हैं ये लिबरलाइज पेंशन वाले, मेडिकल बोर्ड आउट वाले, स्पेशल पेंशन, इस तरह की किस्म के ही होते हैं। तो इन सबको अगर कोई रहे हैं 1% 0.5% ही जो भी, तो यहां उनका निगेटिव ग्रोथ है। वाई ग्रुप में थोड़ा सा नेग्लिजिबल अमाउंट 2 डिजिट में दिया गया है, तो ये भी एक पार्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एनोमली मान सकते हैं। यहां भी उसी तरह से देख सकते हैं कि 17 साल तक अगर आर्मी से कोई 17 साल एग्जैक्टली गए हैं, स्पेशली इस एक्स ग्रुप से, एक्स ग्रुप के हालांकि बहुत कम ही होते हैं, तो अगर कोई गए हैं 17 साल तक, तो इन्हें निगेटिव ग्रोथ मिला है, यानी कि कोई भी लाभ OROP-3 से नहीं होने वाला। हालांकि वाई ग्रुप में कुछ दिया गया है, लाभ शुरू होता 17.5 से एक्स ग्रुप में, और वाई ग्रुप में शुरू हो जाता है 16.5, यानी कि आर्मी के जो अधिकतर वाई ग्रुप में होते हैं, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, तो यहां से इनको थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है 1381। तो ये तो है नायक का। इसी तरह से
20 एंड हाफ जो कि बहुत कम ही होते होंगे, सारे हवलदार बन ही जाएंगे, 2075 यहाँ अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा, और 22 ईयर्स के बाद तो 4025 रुपीज का है जो कि एक जस्ट झांसा आप कह सकते हैं, झांसा के रूप में यहाँ दिखाया गया। वाई ग्रुप में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ है। अब मैं ऑनरी हवलदार की बात करूंगा जहां की 10 साल तक निगेटिव ग्रोथ ही है एक्स ग्रुप में, और वाई में हल्का सा है। यहां भी सेम इसी तरह से 17.5 के बाद 360 का ग्रोथ है, और उसके बाद थोड़ा सा ग्रोथ दिख रहा है, फिर ग्रोथ एक्चुअल 20 एंड हाफ से 2075, और सेम वही ट्रिक इन्होंने लगाया है 22 साल के बाद 4025 आ रहा है। वाई ग्रुप में भी अच्छा खासा है, 1937 का ग्रोथ है। हमने पिछले वीडियो में हवलदार इक्विवेलेंट को पूरे ही विस्तार में लिया है, तो इसलिए मैं यहाँ काफी स्किप करना चाहूंगा, क्योंकि मुख्य टॉपिक मैं सूबेदार पर पहुंचना चाहता हूँ। 10 साल तक यहाँ निगेटिव ग्रोथ है एक्स ग्रुप में, वाई ग्रुप में थोड़ा सा है 3 डिजिट में। फिर से हवलदार की बात करें, हवलदार, सार्जेंट, पेटी ऑफिसर, तो ये सब में अगेन 17 साल तक निगेटिव ग्रोथ ही है एक्स ग्रुप में। अगर किसी कारण से वो गए हैं तो उन्हें यहां कोई लाभ नहीं मिल रहा, 17.5 से जाके लाभ होना शुरू हुआ है, और वाई ग्रुप में थोड़ा सा इन्हें मिला है, 3 डिजिट 4 डिजिट में भी मिला है, स्पेशली 13.5 2794 तक का बेनिफिट मिला है, तो वाई ग्रुप के लिए थोड़ा सा यहां मिला है। 20 इयर्स के जो हैं हवलदार, इन्हें 2525 जो कि यूजुअली एक्स ग्रुप वाले 20 पर जाते हैं, तो यहाँ 2525 का एक बड़ा ही अच्छा राशि मिला है। इसी तरह से वाई ग्रुप को भी एक अच्छा राशि 2756 मिला है, जो कि अभी तक के 20 में मैक्सिमम जाते हैं एयरफोर्स के, नेवी के भी, उन्हें अच्छा खासा, खासकर एयरफोर्स के लिए यह टेबल बड़ा ही अच्छा माना जा सकता है। उसके बाद 20.5 में 1650 हो रहा, 21 में 2000, और 22 ईयर्स 1675, और 23 में भी 1675 ही करके पूरे 28 साल तक किया गया। इसी तरह से वाई ग्रुप में थोड़ा ज्यादा ग्रोथ दिया गया है, यहाँ ग्रोथ देके 3325 तक है। ये सब टेबल अगर आपके लिए अप्लीकेबल है तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं तत्काल। यह ऑनरी नायक सूबेदार इक्विवेलेंट का है, इसी प्रकार मैं अभी यहाँ एनालिसिस नहीं करने जा रहा हूँ। आर्टिफिशर जो नेवी के होते हैं इनका है, नायब सूबेदार का हमने डिटेल में टेबल बनाया, सेम बाकी सब टेबल की भांति यहां भी सेम एरर है। 10 साल तक जो लिबरलाइज और मेडिकल बोर्ड आउट में गए हैं इनके लिए समस्या है, जो बहुत ही कम होंगे, लेकिन अगर ऐसा है तो इनके लिए निगेटिव ग्रोथ ही है नायब सूबेदार के लिए। यहां देख लीजिए कि 20 ईयर्स तक नायब सूबेदार के साथ बहुत ही गलत कार्य किया गया, स्पेशली एक्स ग्रुप में टोटल निगेटिव ग्रोथ ही है नायब सूबेदार का 20 ईयर्स तक। वाई ग्रुप में यहां इन्होंने 15 ईयर्स के बाद देना शुरू किया है थोड़ा सा अमाउंट, 950-925 तक भी गया है नायब सूबेदार में। अब इससे ऊपर नायब सूबेदार में ही 20 एंड हाफ में अगर कोई जाते हैं, 20 प्लस करके अगर 20 करके कोई गए हैं तो इन्हें ORP-3 से कोई लाभ नहीं हो रहा। 20 से ऊपर करके अगर गए हैं नायब सूबेदार JWO CPO करके, तब यहां से लाभ, निगेटिव ग्रोथ का जो इम्पैक्ट था, जो संक्रमण था, वो यहां 20 के ऊपर से खत्म हो रहा है। तो यूजुअली 23 में जाते हैं तो यहां 1775 का लाभ हो रहा है उन्हें। अब यहां यह देखना है कि ORP-3 में ये सब वैल्यू है और ORP-2 में, लेकिन कई लोग को ORP-1 का ही लाभ हो रहा था, उन्हें प्रोटेक्शन मिला था, तो यह वैल्यू जो आप ORP-2 में देख रहे हैं ये सेम वैल्यू आपके लिए अभी प्रेजेंट नहीं होगा, आपके लिए इससे ज्यादा मिल रहा होगा। तो ये जो डिफरेंस यहाँ 1775 दिख रहा है ये एक्चुअल डिफरेंस नहीं होगा, हो सकता है 700-800-600 का ही डिफरेंस हो। इसी प्रकार वाई ग्रुप में भी देख लीजिए कि यहाँ जो डिफरेंस दिख रहा, अगर आप 2 बेनिफिशियरी रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो अगर 1 ही बेनिफिशियरी तो ये मार्जिन घट जाएगा। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है। यह तो नायब सूबेदार हुआ। अब मैं इस वीडियो का प्रमुख हिस्सा जिसके लिए मैंने ये गढ़ा है वीडियो, यहां तक आ रहा हूं। बेशक यहां तक आने में हमें कुछ भूमिका का सहारा लेना पड़ा और सब लोग को एक साथ करें ताकि ORP-3 सबके लिए कुछ ना कुछ हो। मुख्यतः यह वीडियो में सूबेदार एंड इक्विवेलेंट जो वारंट ऑफिसर हैं, चीफ आर्टिफिशर
ऑफिसर्स हैं नेवी के, चीफ मेक 1 और 2 हैं, इन सब के लिए मैंने गढ़ा है। जैसा कि अभी नैरेटिव सोशल मीडिया में आप देख ही पा रहे होंगे चल रहा है कि बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया गया सूबेदार का। तो क्या हुआ वस्तु स्थिति यहां आप देख लीजिए। अगर क्वालिफाइंग सर्विस 6 मंथ्स है तो यहां देखिए टोटल निगेटिव है एक्स ग्रुप का खासकर। तो जो निगेटिव है, निगेटिव का मैं विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां जो भी निगेटिव है तो आपको प्रीवियस जो वैल्यू है ORP-2 से या ORP-1 से जो भी आपके एडवांटेज में होगा वही मिलेगा। वाई ग्रुप में यहां कुछ लाभ दिख रहे हैं 3 डिजिट में 500 एवरेज वैल्यू पर। तो आर्मी के कई लोग हैं जो सूबेदार रैंक में एक वाई ग्रुप के होते हैं, रिटायर होते हैं, लेकिन यहां यह देखने की बात है कि जो सूबेदार डायरेक्ट हवलदार से रिटायर हुए या नायब सूबेदार बने डायरेक्ट, जो कि बहुत ही कम पोस्ट होते हैं, वही इतना कम में जाएंगे। और इतना कम में जा रहे हैं यानी कि मेडिकली बोर्ड आउट हुए हैं या किसी इनवैलिडेशन इनिलेबिलिटी के कारण हुए हैं, तो ये सब बहुत ही रेयर केस है, इसलिए मैं इसे आगे बढ़ता हूं। अब आगे बढ़ने से भी जहां से कि ये सब रिटायर होने लग जाते हैं 10.5 से भी बहुत कम होते हैं, लेकिन जो भी हैं अगर हैं तो यहां 19 ईयर्स तक मैं इस टेबल में देख पा रहा हूं टोटल निगेटिव वैल्यू है एक्स के लिए, यानी कि बहुत बड़ी त्रुटि आप कह सकते हैं कि सूबेदार के साथ किया गया है। अब यह यहां बात सोचने की है कि सूबेदार रैंक 2023 में रिटायर हुए नहीं हुए, यह बात इमेटेरियल है। उस 2023 के दौरान सेवा में इन सर्विस तो सूबेदार रहे ही होंगे, उस क्वालिफाइंग सर्विस वाले उस रैंक के उस ग्रुप के, तो सैंपल वहां से लिया जा सकता है, ऐसा तो है नहीं कि सर्विस में ही कोई नहीं है। तो उस सेवा में जो है उनके वैल्यू को लेके जो भी कंसीडर किया गया है यहां पेंशन के लिए, जो जो एलिमेंट हैं मूल हैं MSP हैं और जो जो एलिमेंट है ये सब को आप 50% कर दीजिए तो आपको यहां सूबेदार रैंक का भी मिल जाएगा। तो यहां बड़ा ही अकाल हुआ है और इन्होंने हर टेबल में ORP-2 में भी इसी तरह से ORP-2 में ORP-3 में सूबेदार के साथ इस तरह से कुछ अनुचित, आप समझिए अनुचित क्रिया किए हैं। अब यहां यह देखना है कि अगर ये सर्विस होल्डर वाले का सैलरी का डाटा ले लेते उस क्वालिफाइंग सर्विस हाउ मच हीज ड्राइंग, तो अपने आप पेंशन का डाटा 50% कर दीजिए मिल जाएगा। तो ऐसी कोई कमी की बहाना नहीं कि वहां पर कोई सैंपलिंग डाटा नहीं था, तो एक्स ग्रुप के साथ तो बहुत ही ज्यादा किए। हालांकि यह आप कह सकते हैं कि 19 ईयर्स तक बहुत कम लोग होंगे जो वारंट ऑफिसर बन भी गए और बन के रिटायर भी हो गए, ऐसे पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि आर्मी में तो सूबेदार बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है यही इससे ज्यादा होगा, तो इसमें बहुत ही कम आएंगे, रेयर आएंगे। यहां देख लीजिए वाई ग्रुप में इन्हें काफी कुछ मिल रहा, लेकिन 17.5 में देख लीजिए कि यहां जीरो है। ये अचानक जीरो कैसे हो जाता है हमें मतलब समझ से परे है, जबकि होना यह चाहिए था कि हम सब ORP का कयास क्यों लगा के बैठे हुए हैं, ORP-1, 2, 3 यानी कि हमारे लिए लाएगा, हर किसी के लिए कुछ न कुछ लेकर आएगा, इसी उम्मीद से हम लोग इतना एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में। तो इस तरह की फॉर्मूला लगाना चाहिए, और फॉर्मूला तो बड़ा ही सिंपल है, हर वर्ष 3% इंक्रीमेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना, तो 5 साल पर आ रहा तो 15% हो गया, तो 15% सैलरी में हो रहा तो सैलरी का आधा होता है तो 7.5% कर दीजिए, तो मिनिमम हर रैंक में हर ग्रुप में 7.5% की बढ़ोतरी तो होनी ही चाहिए, उसमें क्या संदेह है। लेकिन यहां जीरो वैल्यू आ रहे हैं, तो यहां कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है। अब यह देखने की बात है कि इंटेंशनली ताकि जो आर्थिक बोझ पड़े सरकार पर इस आर्थिक बोझ को घटाने के लिए किया गया है, या कहीं ना कहीं इरोनियस है उसके प्रोग्रामिंग में, फार्मूला में, या टर्म ऑफ रेफरेंस जो इन्होंने बनाया है ORP के लिए इसमें त्रुटि है, कहीं ना कहीं त्रुटि तो है। अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, और इस कमी को भरपाई करने की जिम्मेवारी भी इन्हीं ऑथोरिटी को जाता है, ताकि कोई भी डिसएडवांटेज नहीं हो। आप यहां यह देख पा रहे हैं कि सूबेदार ने क्या कोई
अपराध क्या है, कोई ऐसा गलत कृत्य किया है देश के अहित के लिए किया है क्या? ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो डिमोरलाइज हो सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि कितने फ्रस्ट्रेशन भरे हुए ऐसे अमर्यादित वाक्यों का इस्तेमाल किया जा रहा है सूबेदार के द्वारा और उनके इक्विवेलेंट रैंक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी सरकार के पास समय है, इन टेबल को पुनरअध्ययन किया जाए, पुनरीक्षण किया जाए, रिव्यू किया जाए और देखा जाए, उसके थीम को यही रखा जाए कि हर ग्रुप को, हर रैंक को, हर क्वालिफाइंग सर्विस को कुछ न कुछ मिले, कुछ न कुछ, यानी कि 7.5% तो इंक्रीज अवश्य ही हो। तो यहां देख सकते हैं आप 19 ईयर्स में क्या मिला। अब यहां जाके पॉजिटिव ग्रोथ 20.5 से शुरू हुआ है। 20.5 में यहां कुछ मिस्टेक है, यहां देख लीजिए हमारे प्रोग्रामिंग ने कुछ मिस्टेक है, यहां हम सही डाटा OROP-3 का नहीं दे पा रहे हैं। ये तीनों डाटा इरोनियस है, एक्स ग्रुप में आ गया है, इसके लिए हमें माफ कीजिएगा। 23 इयर्स में यहां 32,000 है, तो यहां 1050 की बढ़ोतरी है, यहां 23.5 के लिए 250 है, यहां फिर से 1700 का निगेटिव ग्रोथ है। तो यहां पूरे में आप देख पा रहे होंगे कि ऑलमोस्ट निगेटिव ग्रोथ है। हालांकि वाई ग्रुप में थोड़ी सी बढ़ोतरी है 750 रुपीज की, 475 रुपीज की, है ना, 500 रुपए की 30 साल में जाके अगर करते हैं कोई सूबेदार तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ इनके लिए संतोषप्रद या तो कुछ भी नहीं मिला। यूजुअली सूबेदार जो रिटायर हुए हैं 24 या उससे ज़्यादा होंगे तो 250 रुपया या 750 रुपया मिल रहा, तो जिसे आप निग्लिजिबल कह सकते हैं। आप सूबेदार हैं तो आप इस स्क्रीन का स्नैपशॉट ले सकते हैं ताकि आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस क्वालिफाइंग सर्विस के लिए आपको है। और यहाँ जो राउंडिंग है आपको मालूम ही होगा राउंडिंग ऑफ किस तरह से करते हैं। 20.5 में वो आएंगे जो कि 20 ईयर्स और 3 महीने से 1 दिन भी ज्यादा किए हैं तो, और 6 महीने तक, और फिर से अगर 20 ईयर्स और 6 महीने से ज्यादा, ठीक है, और 20 ईयर्स 9 महीने से कम, तो यहीं पर आएंगे। और अगर 20 ईयर्स 9 मंथ से 1 दिन भी ज्यादा हो गया है तो 21 ईयर्स का होंगे। इस तरह से इसका राउंडिंग ऑफ होता है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि बड़ा ही उदास करने वाला है टेबल सूबेदार साहब के लिए। अब मैं यह बताऊं कि यह तो टेबल आपको एज इट इज दिखा ही, अब इसके लिए सूबेदार साहब को या जो लोग भी हैं जिनको कि इससे असंतुष्टि है या नाराजगी है, फ्रस्ट्रेशन है, उनके लिए क्या है, तो सबसे पहले तो आप इस टेबल को देख के बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि वास्तव में ये है क्या, आपके लिए कैसे आप इसे एडवांटेज में बदल सकते हैं। तो इसके लिए यह है कि आप सबसे पहले तो टेबल को अध्ययन करें, उसके बाद आप मीडिया में जहां जहां भी डाल सकते हैं इसको हाईलाइट करें और इसका प्रेजेंटेशन दें। आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस को दें, पीसीडीए इलाहाबाद को दें, डीएसडब्ल्यू को दें, एमओडी को दें और भी हायर अथॉरिटी को, अपने प्रेजेंटेशन को सारे मेरिट के साथ अपने केस टू केस करके दें और इसे अगर मास में दें तो निश्चित ही है यह लाभप्रद होंगे। क्योंकि एक सूबेदार की जो सेवा में जिम्मेवारी होती है इससे हर कोई अवगत है और इसको सम्मान मिलना चाहिए। पेंशन हमारा ऐसा है कि यह इतनी मात्रा अवश्य होनी चाहिए कि समाज में हम एक प्रतिष्ठित होकर एक सम्मान पूर्वक अपनी जो कॉमन मिनिमम जो जरूरत होती है इसकी पूरा तो अवश्य ही करें। जैसे जैसे हायर रैंक्स होते हैं उनके लाइबिलिटी भी ज़्यादा होते हैं, मेडिकल इशू हो जाते हैं, तरह तरह के इशू होते हैं, तो इन सब को एड्रेस कर पाना, खासकर ओआरओपी जो कि जेसीओ के लिए ही बनाया गया था, उनकी महंगाई को मिटिगेट कैसे किया जाए उसको रखकर, और जो सूबेदार से रिटायर हुए हैं बहुत ही कम मात्रा में रीइंप्लॉयड हो पाते हैं, तो ऐसा कह सकते हैं कि उनकी एकमात्र आय का साधन पेंशन ही होता है। तो इसमें हमारी अथॉरिटी को अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि हर रैंक को,
अवश्य ही दें। और आप सब पर ही जिम्मा है कि मर्यादित भाषा से जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, जो लीगल है, जो वैध है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उस रूट को फॉलो करते हुए इसे आगे लेके चले। इसके लिए AFT भी जाया जा सकता है। आप लीगल जो एक्सपर्ट हैं, जो एडवोकेट हैं हमारे सोसाइटी में, इनसे भी कांटेक्ट करें आप, ताकि इस इशू को कैसे आगे बढ़ाया जाए। कई हमारे एक सर्विसमैन के सोसाइटी हैं, रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, उन सब के साथ मिलें, बैठें, आप देखें कि कितने ऐसे केस हैं, फिर फार्मूला में क्या त्रुटि है। मैंने जो अभी देखा सूबेदार का जो अध्ययन किया, इसमें देखा कि काफ़ी सारी त्रुटियां हैं सूबेदार का, तो इस त्रुटि को हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो ये फाइनल है। सर्कुलर बनने के बाद भी रिवीजन आते हैं, तो कई चेंजेस होते हैं। और इसी सकारात्मक सोच के साथ आप भी आगे बढ़ें। अगला वीडियो में मैं एक्सक्लूसिव सूबेदार मेजर और उसके इक्विवेलेंट को कवर करने जा रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। और यहां आप देखेंगे कि मैंने प्रयास किया कि हर रैंक का एक संक्षिप्त विवरण आपको दे सकूं। सूबेदार के लिए तो मैंने खास पूरे टेबल को एनालिसिस किया। इसके साथ भी कई तरह की विसंगतियां हैं, जो कि सिर्फ विसंगतियां पर मैं बात करते रहूं। मेरा प्रयास होता है हर वीडियो में आपको यथावत जिस तरह से तथ्य है उसको मैं प्रस्तुत करूं, उसका विश्लेषण करूं, उसमें क्या क्या कमियां हैं उसे सामने लाऊं, उसके कमियों को दूर करने के लिए हमारे ऊपर या और क्या अथॉरिटी हैं, इनको कैसे कर सकें। एक बहुत ही बड़ा इशू है, पहले से ही चल रहा है, जो कि MSCP का है, pre-2006। इस पर सरकार को काफ़ी गहन अध्ययन करना चाहिए। अगर कुछ बोझ भी पड़ रहा तो बोझ सह लेना चाहिए, क्योंकि जो MSCP का कंसेप्ट है post-2006 है। अब ये तो आरोपी के कंसेप्ट के अगेन खिलाफ चला जाता है कि 2006 के बाद वाले को उसका एडवांटेज मिलेगा और उससे पहले वाले का एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो ये अपने आप में ORP का जो मुख्य थीम है, इससे डेविएशन हो जा रहा है। दूसरा चीज ये हो जा रहा है कि अभी जो टेबल नंबर 8 में अगला बात करूंगा, टेबल नंबर 8 जो आया है, अभी तो ये टेबल नंबर 7 का वीडियो है, टेबल नंबर 8 पर मैं जाऊंगा तो वहां भी देखिए विसंगतियां हैं कि जब वो आरोपी तो फिर से उन्होंने एक्स ग्रुप के लिए डिस्क्रिमिनेट किया है। तो इस तरह से कई विसंगतियां हैं जिसको कि हम धीरे धीरे आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, मेरा भी हौसला आप जाय करते रहें, सब्सक्राइब करें। हमारा जोश जो है आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक पर ही है, यही हमारे लिए दक्षिणा है, समझिए। आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया, इसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, फिर से इसी श्रृंखला को जारी रखूंगा। आज ना सूबेदार साहब का हमने कवर किया, अगले दिन यानी कि कल सूबेदार साहब मेजर सूबेदार का हम कवर करेंगे। तो अब हमें सूबेदार मेजर साहब का कवर करेंगे, SM साहब का। अब हमें इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।